मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा से लेके अपने बाप के पैसे पे कब तक पलेगा, ये सुनने में बहुत बुरा लगता है। इसी कारण से एक बार कम से कम कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ये सब चीज सोच ही लेना। हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है, मोदी जी करते हैं मन की बात और मैं करता हूं दिल की बात, और दिल की बात पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उस दोनों वीडियो को देख ले, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर इस वीडियो को अगर पहले और कोई बनाया होता, रियलिटी बताया होता, तो मैं भी इस ट्रैप में नहीं फंसता, ठीक है। बस मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना। आज मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, मैं भी CSIT लूंगा, ये बन गया भाई, कुछ करना है तो CSIT ही लेना है भैया। जैसा कि आपको पता है, सब पूरा मिथ बना रखा है कि CSIT लोगे तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का प्लेसमेंट होगा। वो सब चीज को मैं बताऊंगा, खास करके अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से हो तो क्या कंडीशन है वहां का, वो सारी चीज को मैं डिस्कशन करूंगा। बस मैं रिक्वेस्ट करता हूं और बस इस वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना, मैं बताऊंगा किस किस को मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बता दूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या है CS ब्रांच का, ठीक है। उसके बाद किसको किसको CSE ब्रांच लेना चाहिए, भैया मेरे को तो सब बोला है अगर इंजीनियरिंग करना है तो CSIT लो वरना इंजीनियरिंग मत करो, ठीक है। और मैं बता दूं, हाँ तुमको CSIT लेना है तो कौन कौन सा साइन तुम्हारे अंदर है, किससे पता चलेगा तुम CSIT के लिए बने हो। भैया ऐसा होता है, भैया मैं इंजीनियरिंग करने के लिए आया हूँ, मेरा फ्रेंड बोला है, शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, मंडल जी का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, वो लोग CSIT लिया मैं भी CSIT लूंगा, ऐसा ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। इस वीडियो के बाद तुम इतना श्योर हो जाओगे हाँ कौन सा ब्रांच तुम्हारे लिए है कौन सा ब्रांच नहीं है, और तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन सा ब्रांच है। कॉलेज जाने के बाद बहुत रिग्रेट होगा, क्या खास पहले मेरे को कोई बता दिया होता तो मैं इस ट्रैप में नहीं फंसता। बस इस वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना और ट्राई करना उस बच्चे को शेयर करने का जो भी इंजीनियरिंग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा रियल स्टोरी स्टूडेंट का, एक बच्चा था जो मैकेनिकल लिया था, एक बच्चा था CSIT लिया था, ठीक है। उसके ऊपर मतलब वो स्टोरी से पक्का तो मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद में डॉन ट्रैप इन द मतलब होता है ना दोस्त, उसके बाद में मत जा दोस्त CSIT लिया मैं भी CSIT लूंगा और वो तो मेरी भी, ये सब मतलब मत मन। इस वीडियो कंप्लीट एंड तक देख, मेरे को नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद और भी कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़े इसके रिगार्डिंग। इसमें मैं कंप्लीट बता दूं कौन कौन सा ब्रांच का क्या है। लगभग मैं कॉलेज में आया हूं, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं, मेरे को कंप्लीट आइडिया है कौन से ब्रांच का क्या है, क्या क्या उसमें पढ़ना पड़ता है CSIT। भाई अच्छा ये बताओ, मैं कैसे पता करूं कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, CS में है, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, किस में है। इस वीडियो के बाद तुमको पता चलेगा तेरा इंटरेस्ट किस में है, या फिर मैं अभी तो तुमको CS के बारे में कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगा, उसके बाद मैकेनिकल में मेरा फ्रेंड है, ऑटोमोबाइल में है, रोबोटिक में, सब में मेरा फ्रेंड है, वो सबको इनवाइट कर करके मैं बता दूंगा कौन से ब्रांच है, क्या सिलेबस है। बस वीडियो कंप्लीट इन तक देखना, ट्राई करना एक से दो उसको शेयर करने से उसका भी हेल्प हो सके। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज इन CS ब्रांच। तुम सभी को पता है, इतिहास गवाह, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो सब जगह तुम्हारे CS वाले ही मिलेगा। गूगल से लेकर के दारू भट्टी तक देख लो सब जगह CSIT मतलब वाले ही तुमको स्टूडेंट मिलेंगे। रियलिटी है क्या, CS ब्रांच से हो तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, पर सबको नहीं मिलता यार, एक बार याद रखना। और कोर ब्रांच ले लेते हो ना, तुमको कोई और भी सिखा देगा। जब तुम सिविल ले लेते हो तो मिस्त्री से सीख लोगे करना क्या है, पर CSIT लोगे ना खुद मेहनत करना पड़ेगा। बस इस चीज को हमेशा याद रखना, बहुत मतलब अच्छा बात मैं बोला हूँ, हमेशा याद रखना CSIT ले रहे हो पढ़ना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है सब में तो प्लीज CSIT मत लो, मतलब बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा फील होगा तो कॉलेज जाने के बाद। अपॉर्चुनिटीज का तो मैं बात कर ही दिया हूँ, मतलब सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज CSIT में है, रियलिटी है। प्लेसमेंट देखोगे उसका भी अच्छा है, पर सबका नहीं होता है भाई। एक बात सच्चाई पता है तुमको, लगभग कॉलेज में ना सब ब्रांच देखोगे, मैकेनिकल देखोगे, उसमें बच्चा का लिमिटेशन होता है, पर CSIT ऐसा ब्रांच हो गया, ऐसा मिथ बन गया, ऐसा कल्चर हो गया है, सब कॉलेज में 120 रहता है, उससे ज्यादा बच्चा को CSIT में लिया जाता है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया, ठीक है। मैं ऐसा नहीं, मैं किसी को मैं करना चाह रहा हूं, पर ये बताना चाहता हूं अगर इसमें इंटरेस्ट है तभी लो। और रियलिटी क्या रहा है ना, सब अभी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो रियलिटी है कि तुम्हारा CSIT का अच्छा प्लेसमेंट होगा, पर ऐसा नहीं है कि CSIT वाले ही सब कुछ करेंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं, अगर तुमको इंटरेस्ट नहीं है, मैं खुद का बात कर रहा हूं, मेरे से अगर अभी कोई बोलोगे तुम कौन सा ब्रांच लोगे तो मेरा ब्रांच का इंटरेस्ट कुछ और ही होगा। भले ही मैं मतलब मेरे को अब कोडिंग वोडिंग अच्छा लगने लगा है, लगभग आज से एक साल पहले मेरे को कोडिंग समझ में नहीं आता था। बस मैं इतना ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, CSIT लेने से पहले इतना चीज को देख लो। अरे किसी भी ब्रांच को तुम ले रहे हो, कम से कम एक से दो दिन उसको देखे तो देखो हाँ ब्रांच में इंटरेस्ट है या नहीं है। और कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं, उसका क्या सिलेबस है भैया, मेरे को क्या पढ़ना है, उसका क्या फ्यूचर स्कोप है, इंडिया में क्या स्कोप है, इंडिया के बाहर क्या स्कोप है, मैं ट्राई करूंगा उसके रिगार्डिंग वीडियो बना देने का। बाद एटलीस्ट एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताओ किसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, ठीक है। मैंने अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता दिया, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे CSIT में है। उसके बाद
किसको किसको इस ब्रांच को लेना चाहिए भैया? अच्छा ये बताओ, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं सीएसआईटी नहीं लूँ? मेरे को तो प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा सा खतरनाक सा प्लेसमेंट चाहिए, गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन ये सब में चाहिए मेरे को प्लेसमेंट। तो कैसे पता चलो मेरे को कोडिंग मेरे लिए है या नहीं है? ये रियलिटी है, क्लास 10th 12th के बाद किसी को नहीं पता चलता है कौन सा ब्रांच में क्या इंटरेस्ट है। एटलीस्ट 4-5 साइन तेरे अंदर है, ठीक है? क्या ऐसा कर सकते हो, मैं सोर्स बता दूंगा, उस सोर्स को जाके तुम देख सकते हो, लगभग 3-4 घंटा उस पर देख देखो हाँ मजा आ रहा या नहीं आ रहा। मजा आ रहा होगा तभी वो ब्रांच को लेना, वरना मत लेना। देखो सबसे पहला मैं बात करूं, हाँ किसको किसको सीएसआईटी ब्रांच लेना चाहिए। सबसे पहले देखो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी भी मतलब चीज को पढ़ने से पहले मजा आ रहा है या नहीं आ रहा ये देखो, ठीक है? उसके बाद देखो सोर्स कोड होता है, हाँ क्या कर सकते हो, सी लैंग्वेज का एक कोड विथ हैरी सर है, भैया बोलो या सर बोलो, कोड विथ हैरी भैया है, तुम उसका वीडियो देख सकते हो। उसने पाइथन का भी वीडियो बना रखा है, सी का भी वीडियो बना रखा है। अगर तुम अगर कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, सीएसआईटी लेने वाले हो, एटलीस्ट ये दोनों को 15 आवर का तुम्हारा कोर्स है, ये 11th आवर का कोर्स है, इसको देखो, तुमको इसे मजा आ रहा है, हाँ तुम 5-6 घंटा बैठ के कोडिंग कर सकते हो, ये सब देखो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मत लेना उसके। या फिर ऐसा हो सकता है ना भैया, मैं एक टीचर पर कैसे पता कर लूँ कि इस टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ठीक है? तुम हम तो इतना सियोरिटी के साथ बोलता हूँ, हैरी भैया सबसे लेमन लैंग्वेज में पढ़ाया, सबसे आसान तरीका से पढ़ाया है। अगर इसका नहीं समझ में आता है, तुम उसके बाद सौरभ शुक्ला सर है, सौरभ शुक्ला सर का तुम देख सकते हो। अगर सौरभ शुक्ला सर का भी समझ में आता है, लव बब्बर भैया का भी तुम देख सकते हो। अच्छा हो सकता है देखो एक टीचर खराब होंगे, दो टीचर खराब होंगे, सब टीचर खराब नहीं होंगे। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, अपना कॉलेज है अमन धतरवाल भैया का, तुम उसका भी देख सकते हो। एक बार ये सबको देखो, अगर मजा आ रहा है तब सीएसआईटी में आओ, ये रियलिटी है। सबसे अच्छा प्लेसमेंट कोई देगा तो सीएसआईटी वाले ही देगा तुमको, क्योंकि सीएसआईटी वाले सब जगह पे है, ठीक है? बस इतना साइन देख लो अगर तुमको। हाँ ये साइन कैसे पता करे, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, तुमको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी भी चीज को पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा है तब लो वरना मत लो। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या है, लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या क्वेश्चन है, क्या करने के लिए बोला है, कम से कम 4-5 घंटा इसका वीडियो देखो, लॉजिक उजिक सब समझ में आ रहा, समझ आ, कोडिंग तुम्हारे लिए 3-4 घंटा तुम दे रहे हो, हाँ तुम्हारे लिए वो है। उसके बाद क्या, कोई भी चैलेंज मतलब कोई क्वेश्चन आ रहा, हाँ तुमको उसको एक्सेप्ट करने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आ रहा है, ये सब देखो। अगर ये सब तुम अगर तेरे अंदर है, हाँ तब तुम्हारे लिए सीएसआईटी है, वरना नहीं है, मत लो यार। ये मतलब ऐसा मत तो क्या, हाँ वो सीएस ले रहा है मैं भी सीएस लूंगा, मेरे को भी ये वो, इस सब इस ट्रैप में मत फंसो, ठीक है? ऑलवेज। उसके बाद देखो पजल सॉल्व करने क्या एबिलिटी है तुम्हारा, क्या कितना तुम पजल सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो, देखो हाँ पजल उजल सॉल्व हो रहा है, मैथमेटिक्स थोड़ा सही है, हाँ तब तुम सीएसआईटी में आ सकते हो, ठीक है? उसके बाद देखो क्या पेशेंस है तुम्हारे पास, टाइम दे पा रहे हो तुम किसी क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन तुम ट्राई करने को। अपना खुद का बात बता रहा हूँ, आज से 1 साल पहले जब मेरा क्लास चला था मेरे को कोडिंग समझ में ही नहीं आ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तुम हम सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक ये था कि क्वेश्चन पे हम टाइम ही नहीं दे रहे थे हम। देखो किसी भी क्वेश्चन में तुम टाइम दे पा रहे हो, देखो होता क्या है ना 11th 12th के बाद मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद मतलब पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता है, कोडिंग में आना पड़ता है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। किसी बच्चे ने तो लैपटॉप को छुआ नहीं रहता, वो सभी बच्चे आते हैं, ठीक है? तो वहाँ देखो हाँ क्या तुमको मजा आ रहा है उसमें, नहीं आ रहा, कितने घंटे तुम बैठ पा रहे हो, टाइम दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, ये सब सही है। उसके बाद इतना देख लो, इसको देखने के बाद तुम मतलब मैंने बता दिया किस किस सोर्स को तुम फॉलो कर सकते हो। और एक है ना, मैं एक कबड्डी के ऊपर डिस्कशन करता हूँ, रियल स्टोरी है, ठीक है? ये एक चलो मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूँ क्या सीएसआईटी का क्या सीन हो गया है, के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। इस स्टोरी का पक्का आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपको ये भी मिलेगा हाँ कौन सा ब्रांच आपके लिए है, कौन सा ब्रांच नहीं, क्या रियलिटी है, क्या मतलब प्लेसमेंट कैसा है, नहीं, सारा चीज को डिस्कशन करूंगा, पक्का बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस स्टोरी के बाद। देखो दो बच्चा रहता है, एक रहता है तुम्हारा सोनू, एक रहता है तुम्हारा मोनू, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी सोनू मोनू था, यहाँ भी सोनू मोनू आ गया है, ठीक है? ये भी आफ्टर क्लास ट्वेल्थ के बाद ये भी इंजीनियरिंग करने का सोच रहा है, सोनू भी और मोनू भी, ठीक है? सोनू को पहले डिसाइडेड कर लिया था कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, ठीक है, ये इसको डिसाइड कर लिया था, ठीक है? और मोनू डिसाइड नहीं कर पा रहा था, करता है अपना दोस्त लोग के कहने पर वो सीएसआईटी ले लेता है, इसमें बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो ले लेता। ब्रांच रहता है मैकेनिकल, मोनू का रहता है मैकेनिकल, इसका रहता है सीएससी ब्रांच, ठीक? और क्या होता है ना, एट द एंड ये मोनू जो है इसको इंटरेस्ट था मैकेनिकल में, इसी कारण से वो मैकेनिकल लिया था, और मोनू को कोई इंटरेस्ट नहीं था, दूसरे के कहने पे बोल दिया भाई सीएसआईटी लोगे बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट मिलेगा, इसी कारण से वो मोनू क्या किया सीएसआईटी ले लिया। एट द एंड कॉलेज गया, कॉलेज में किसी तरह से ये इसको इसमें ब्रांच इसको पता था क्या मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट थोड़ा कम होगा, फिर भी क्या था मजा से ये पढ़ रहा था, ये क्या कर रहा था मजबूरी में किसी तरह से काट कूट के पढ़ रहा था, पर एट द एंड प्लेसमेंट इसका मानो तो तुम्हारा वही 15,000 से 20,000 तक का प्लेसमेंट इसका हुआ मैकेनिकल वाले का। इसका कितना हुआ लगभग बोलो, वही मानो तुम्हारा 30K तक तुम्हारा इसका प्लेसमेंट हुआ।
तो बोला भाई देख ले तू अपना इंटरेस्ट से लिया था। मोनू बोल रहा सोनू को, देख भाई तू अपना इंटरेस्ट से लिया था, क्या हुआ आखिरकार मेरा प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ। बोला ठीक है। कुछ समय के बाद आफ्टर फाइव ईयर ये क्या हो गया, इसका प्लेसमेंट हो गया लगभग तुम्हारा लगभग वही 35 से 40 के बीच में हो गया, ठीक है। इसका भी क्या हो गया तुम्हारा 40 के बीच में हो गया। ये फिर मोनू बोल रहा भाई देख ले तुमसे ज़्यादा प्लेसमेंट मेरा है। फिर 5 साल बीता, 5 साल के बाद इसका प्लेसमेंट 60 के हो गया और इसका तुम्हारा 30, मतलब उसका मानो तो अप्रॉक्स 40 से लगभग 45 के तक हुआ होगा। ये क्या हो गया, अपना HOD बन गया किसी ब्रांच का, ठीक है। और इसके 5 साल के बाद इसका प्लेसमेंट लगभग 90,000 तक इसका हो गया, पर इसका क्या हो गया 50,000 तक हुआ। और आगे किया या नहीं किया, ये जॉब लेफ्ट कर दिया या फिर कुछ एक्स्ट्रा किया वो कुछ नहीं पता, पर ये था, ये क्या था, अपना मस्ती के कारण से, अपना उसको इंजॉय हो रहा था इसी कारण से वो मैकेनिकल ब्रांच लिया और उसको इंजॉय के साथ किया। एट द एंड देख ले इसका ये कितना आगे है, और इसको CSIT में मजा नहीं था, दूसरे के कहने पर ले लिया था, इसी कारण से एट द एंड इसको क्या पड़ा, अपना जॉब छोड़ना पड़ गया, या फिर हुआ भी तो 50,000 का हुआ, कंपनी इधर उधर स्विच करता रहा होगा। ये एक मतलब रियल स्टोरी है ये, समझ गया, ऐसा ही अक्सर होता है, ये सब तुमको बाद में पता चलेगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा, ट्राई करो हमेशा मोनू बनने का, सोनू बनने का ट्राई मत करो, ठीक है। देख एट द एंड क्या क्या मैकेनिकल लेकर के अच्छा प्लेसमेंट निकाला, ये CSIT लेकर के भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्या मैं, हाँ CS वाले का खराबी होता है, तुम इस ब्रांच में आकर के मेहनत कर लेते हो, इससे अच्छा प्लेसमेंट कोई नहीं देगा। पर और एक रियलिटी क्या है, इसमें तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, CSE में तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। मैकेनिकल में क्या नहीं भी होता है तो मतलब इधर उधर तुमको मतलब मिल ही जाएगा कुछ, पर CSIT में ऐसा नहीं है। इसी बस मैं इतना ही बोलूँगा, हाँ कोई भी ब्रांच को लेने से पहले एटलीस्ट कम से कम किसी उस भैया से बात कर लो, भैया इस ब्रांच में क्या पढ़ना पड़ेगा, भैया मेरा मतलब इस ब्रांच में इंटरेस्ट है या नहीं है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कोई भी ब्रांच अगर तुम लेने वाले हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलो, भैया मैं ये ब्रांच लेने वाला हूँ, इसका क्या स्कोप है, ब्रांच लूँ या ना लूँ, मैं क्लास 12th है, मेरा ये है, मैथ अच्छा है, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूंगा। एटलीस्ट मेरा कॉलेज में सब ब्रांच से लगभग कुछ ना कुछ फ्रेंड है, क्या सिलेबस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, सारा चीज़ को मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना के डाल देने का। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। ट्राई करो 1 से 2 दोस्त को शेयर करने का, जिससे उसका भी हेल्प हो सके, वो भी किसी ट्रैप में ना फंसे। अरे यार ये बहुत खराब लगता है, बाद में नहीं बोलता है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा से लेके बाप के पैसे पे कितना पलेगा, सुनने में बहुत खराब लगता है इसको, समझ गया। हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखना, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक बार सोच लो। मैं ट्राई करूंगा अपने दोस्त लोग को लाके, सारे ब्रांच जितने ब्रांच है मतलब सब ब्रांच के रिगार्डिंग, इसमें मेरा फ्रेंड है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, छोटे से फैमिली का मेंबर बन जाए और हमारा तुम्हारा सफर अभी लंबा चलेगा। होप दिस इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। या ट्राई करना एक से उसको शेयर करना, इससे उसका भी हेल्प हो सके और मेरा भी हेल्प।